एसएससी सीजीएल 2024 के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पर 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। कम से कम 600-700 कमेंट्स आए हैं बच्चों के उसमें। बहुत अच्छा प्यार उस पर मिलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने चीज़ों को समझाया था, चारों सब्जेक्ट की ब्रीफ में बात करी थी, लेकिन काफ़ी कमेंट ये थे कि भैया डिटेल में थोड़ा सा चीज़ों को आप बताओ। तो मैं इस वीडियो में देखो जैसे मैथ्स की बात करूंगा, थोड़ा डिटेल में चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी जो पीडीएफ है, एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है मिस्टर टू टेल्स, आपको स्क्रीन पे डिटेल दिख रही होगी, उसकी फ़ोटो मैं दिखा दूंगा। वहाँ ज्वाइन करें और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रिंट करके इसको रखें या अपने हिसाब से लिख के इसको रखें, बिकॉज दिस इज़ वॉट गोइंग टू मैटर। और अगर आप अच्छे से इस चीज़ को करते हैं तो आई कैन गारंटी यू आपका बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे बढ़ने वाला है। मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन मेरा अच्छा स्कोर आया था मैथ्स में, बिकॉज मैंने जो चीज़ें फॉलो करी थी, बहुत कैलकुलेटिव चीज़ें फॉलो करी थी, बहुत स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को फॉलो किया था, और वही मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। इसमें बात करेंगे हम थ्योरी कैसे पढ़ना है आपको, नोट्स कैसे बनाने, सिक्वेंस क्या होना चाहिए आपके पढ़ने का, कैसे प्रैक्टिस आपकी रहनी चाहिए, स्टडी प्लान आपका क्या होगा, किस टाइम कौन सी स्टडी प्लान में कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ना है, उसके बाद बुक कौन सी फॉलो करनी है, क्यूज कहाँ से लगाना है, कैलकुलेशन कैसे बढ़ानी है, सारी चीज़ें वन बाई वन हम बातों को बहुत सारांश तक डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में ऐसे आधी अधूरी चीज़ें। मेरे बारे में मोस्टली लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ, मेरा नाम शंकर सेसमा है। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, सेम आईडी है मिस्टर टू टेल्स। टेलीग्राम पर भी मिस्टर टू टेल्स आईडी है। इंस्टा पर मैं जनरली मोटिवेशनल वीडियोस और कुछ अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ, कई काफ़ी जेन्यून क्वेश्चंस मेरे को आते हैं तो उनका रिप्लाई भी मैं करता हूँ। टेलीग्राम पे मैं स्टडी मटेरियल शेयर करता हूँ, डाउट्स शेयर करता हूँ, क्वेश्चंस यहाँ पे जो पूछते हैं उनका जवाब देता हूँ, प्लस मेरे नोट्स भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ यहाँ पर मैं अवेलेबल कराता हूँ। इसको स्ट्रेटेजी को देखने से पहले दो तीन चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो जो चेंजेस आपके यहाँ पे आए हैं मैथ्स के अंदर, मैथ्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो चुकी है पहले के कंपेरिजन में। बात करें तो कॉन्सेप्ट्स बहुत पूछे जा रहे हैं अभी, प्लस रीजनिंग के साथ आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। और 2018 के बाद के जो क्वेश्चंस है या जो पेपर हैं उन्हीं पे हमारा मैक्सिमम फोकस यहाँ पे रहने वाला है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी जो ध्यान रखने वाली है। ये स्ट्रेटेजी टीयर वन और टीयर टू दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ये यही फॉलो करनी है आपको। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जैसे एक दो टॉपिक है जैसे स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, ये सिर्फ टीयर टू में पूछा जाता है, इसको टीयर वन के टाइम आपको नहीं पढ़ना है, उसके बाद पढ़ लेना है। एक बार टीयर वन तक भी पढ़ लोगे तो कोई ऐसा नहीं है कि इश्यू हो जाएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखो स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले हमारा पॉइंट है, टीयर वन में 20-25 क्वेश्चन आते हैं, टीयर टू में 30 क्वेश्चन आते हैं। और जो मैं डिटेल में चीज़ें बताई है उस वीडियो में, जैसे कि कैसा रहता है पैटर्न, क्या है टीयर वन में कितने पूछे जा रहे हैं, टीयर टू में कितने पूछे जा रहे हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस करी। जो सीजीएल का जो कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लान बनाया है मैंने 4-5 दिन पहले यूट्यूब पे अपलोड किया था, जिसमें चारों सब्जेक्ट्स की बात करी है। इसमें अपने मैथ्स की सिर्फ बात करेंगे, ठीक है। थ्योरी के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप कोचिंग से थ्योरी कंप्लीट कर रहे हो, नहीं तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला हुआ है टॉपिक वाइज कि कौन से टॉपिक किस टीचर से पढ़ें, पूरा कंप्लीट आप ये देख सकते हैं। मैंने जब ये वीडियो बनाया था उस टाइम तो फिर भी लिमिटेड कंटेंट अवेलेबल था, लगभग 1 साल हो गए इस वीडियो को बनाए। अभी आप जाके देखोगे, ये सारे टॉपिक लिख लो एक जगह, उन टॉपिक्स को आगे टीचर का नाम लिखते जाओ, क्योंकि आप सर्च करोगे जैसे नंबर सिस्टम मैथ्स एसएससी सीजीएल लिख देना, 101% किसी टॉपिक टीचर का वहाँ पे वीडियो आ जाएगा। जो भी वीडियो जिसमें कंप्लीट कवर है वो देखो, उससे नोट्स बना लो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू कैन ज्वाइन कोचिंग, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको फ्री पढ़ना है तो यूट्यूब से आराम से फ्री में आप पढ़ सकते हैं। इधर वे इट इज़ अप टू यू टू आप कि आपको कैसे करना है, ठीक है। मेरा कोई इसमें नहीं है कि आप कोचिंग ही करो या यूट्यूब से ही पढ़ो, इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड। दोनों जगह से आप कर सकते हो, इतना मैं कहना चाहूँगा, ठीक है। अब क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। थ्योरी जब पढ़ोगे, एक सबसे पहली बात, मैथ्स में डिटेल नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। नोट्स में कोई कोताही नहीं बरतनी, एक एक टॉपिक का नोट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि मैथ्स में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। विदाउट नोट्स आपको फॉर्मूले याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, इसलिए नोट्स को अच्छे से बनाना है आपको, सारे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। रेफरेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, नोट्स कैसे बनाए इसका रेफरेंस देने के लिए, मैंने अपने नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, जो मैंने अभी बताया मिस्टर टू टेल्स, इसमें सारे मैथ्स के नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, एक दो टॉपिक नहीं है, बाकी सारे डिटेल्ड नोट्स वहाँ पे डाल रखे हैं। आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वही नोट्स आप यूज़ करो, वहाँ से रेफरेंस ले लो कि कोई कॉन्सेप्ट आपका छूट तो नहीं रहा है, और कैसे नोट्स बनाने हैं एक्चुअल में, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। बहुत ही शानदार नोट्स मैंने बना रखे हैं, लगभग आप उस नोट्स के उस पर जाके देखोगे तो लगभग 6 से 7 लाख लोगों ने वो नोट्स मेरे देख रखे हैं, मतलब
काफ़ी अच्छा कंटेंट है वो, आप देखें नोट्स को, बहुत शानदार तरीके से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं मैथ्स के, तो आप वो जाके देखें। पढ़ना कैसे, देखो मैथ्स को इस हिसाब से मैंने बांट रखा है, भाई भाई बना दिए मैंने, ये जो 5 टॉपिक है 6 टॉपिक है ये भाई है, ये उसके बाद जो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ये भाई है, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम भाई है, टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम भाई है, एडवांस मैथ्स एक अलग परिवार है, और ये जो मिसलेनियस टॉपिक ये है। तो इसको पढ़ना कैसे, आपको सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है सिक्वेंस 1 से, मतलब इसमें आप जो भी नंबर सिस्टम एलसीएफ एलसीएफ सिंप्लीफिकेशन ये वाले चैप्टर आप कर लो, कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटीज दिखेगी इसमें, और ये जब आप कर लोगे तो मैं मानता हूँ कि ये एक बेसिक है, यहाँ से आपका जो मैथ्स है ना इसका फाउंडेशन बनता है, ये बहुत अच्छे टॉपिक्स है, इससे मैथ्स की कई सारी चीज़ें आपको पता चलती है अगर आप बिगिनर हो तो। उसके बाद आप आ जाओ परसेंटेज वाले चैप्टर, परसेंटेज पढ़ो, परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर प्रॉफिट लॉस कर लो, फिर डिस्काउंट कर लो, फिर सी आई एस आई ये वाले आप टॉपिक निपटा लो, ये सेम सेम, जब परसेंटेज आप मास्टरी कर लेते हो तो लगभग ये सारे टॉपिक्स उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, यहाँ से आप अच्छे से इसको कर लेना। उसके बाद टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम सेम टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट इसमें काम आता है, फिर टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इसमें काम आता है, तो इसके बाद ये फॉलो कर लेना। फिर भी आपको लगता है कि ये सीक्वेंस मैं चेंज करना चाहता हूँ, देखो पहला सीक्वेंस तो फर्स्ट पे रखना है, उसके बाद आप इधर उधर कर सकते हो, बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ आपको उसके बाद एडवांस पे जाओ, ये जब खत्म हो जाएगी आपकी चीज़ें तो एडवांस पे मूव करो, डायरेक्ट एडवांस पे आपको नहीं जाना, ये मैं सजेस्ट करता हूँ और मैंने भी ऐसे ही किया था। और एक चीज़ और आपको ये ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको जो इजी टॉपिक्स है वो पहले करने हैं, ठीक है, पहले इजी टॉपिक्स करने हैं, उसके बाद हार्ड टॉपिक्स पे मूव करेंगे। हार्ड टॉपिक्स का मतलब देखो जनरली लोगों को ना एडवांस में हार्ड लगती है, और आपको इजी टॉपिक्स जो नंबर सिस्टम वगैरह ये थोड़े से इजीली आपके हो जाते हैं, तो पहले ये वाला पार्ट करना है, उसके बाद आपको ये जो एडवांस मैथ वाला पार्ट है ये कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ मैंने यहाँ पे बता देनी है आपको, एक और जो पॉइंट नंबर 4 है, सेम डे सेम प्रैक्टिस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो आपने पढ़ लिया नंबर सिस्टम का टाइप 1, नंबर सिस्टम का टाइप 1 आपने पढ़ लिया, इसी दिन टाइप 1 के ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, ऐसा कि टाइप 1 आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और आप टाइप 4 के क्वेश्चंस लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको मैथ्स का डर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। और जो स्टार्टिंग की जो प्रैक्टिस है वो इजी क्वेश्चंस की करना है आपको। देखो एक तरीका होता है आदमी को अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे रखना है, वो 3 डेट आपने देखी होगी ना जिसमें ऑल इज वेल ऑल इज वेल, वो कैसे है आपका, कैसे कंसेप्ट कैसे बनना है वो ऑल इज वेल कॉन्सेप्ट। आपको देखो लगता है मैथ्स हार्ड, अब आपको अपने आप को पागल बनाना है, मैथ्स को इजी कैसे बनाना है, टॉपिक्स पढ़ा स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस करो, इजी क्वेश्चन करोगे तो आपको कहीं ना कहीं माइंडसेट ये बन जाएगा कि यार शायद मैथ्स इजी है, अब मैथ्स तो इजी लग रही है आपको, और आपने कोई टॉपिक पढ़ा और सबसे हार्ड क्वेश्चन जो आ रहा है आपको इंटरनेट पे मिला है वो आप सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ जाएगी, नेगेटिव वाइब्स आ जाएगी, यार आप मैथ्स में तो कमज़ोर हो और आपसे मैथ्स हो नहीं रही। ऐसा नहीं करना है आपको, इजी टॉपिक फर्स्ट आपको पढ़ना है और इजी टॉपिक के इजी क्वेश्चन ही आपको पहले करने हैं। स्टडी प्लान कैसा रहेगा आपका ये बता देता हूँ आपको, स्टडी प्लान कुछ नहीं है, 6 महीने में अपना मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस होना है जिसमें थ्योरी आ गई आपके, नोट्स आपने बना लेने हैं 6 महीने में, प्लस एक प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद मैं प्रैक्टिस प्लान भी यहाँ पे बता रहा हूँ, पहला ये है कि 6 महीने में आपको ये काम कर लेना है, लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे आपको डेली इसको देना है, ठीक है। और एक क्विज़ का टाइम भी आपको एक अलग है, मैं ये आगे जाके क्विज़ बताऊंगा, आप इस टाइम में मत जोड़ लेना, क्विज़ का टाइम 2 से 2.5 घंटे आपको मैथ्स पढ़नी है, जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ वाली, क्विज़ का टाइम अलग है ना। और कैसे पढ़ना है देखो, पहला प्रैक्टिस थ्योरी का मैंने आपको बता ही दिया है, पहला प्रैक्टिस कैसे होना है, प्रैक्टिस का प्लान, जब आप थ्योरी पढ़ते जाओगे तो पहला प्रैक्टिस होगा आपके सभी क्वेश्चंस का, जो बुक है आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, जैसे मैंने नीचे किरण की टाइप वाइज चैप्टर वाइज बता रखी है, उसमें लगभग जैसे 14,000 के आसपास क्वेश्चंस हैं, 14,000 बहुत क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको लगभग सारे लगा लेने हैं, लगभग में सिर्फ वही स्किप करना है जिसमें एक क्वेश्चन आ गया कि 2 + 5 = 7, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ गया 9 + 4 = 3, 9 + 4 = 13, तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन है, तो इनमें आप 2-4 क्वेश्चन लगा के बाकी छोड़ सकते हो, अदरवाइज सारे टाइप के सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं पहली प्रैक्टिस में, जब आप थ्योरी कंप्लीट कर रहे हो ना उस टाइम सारे। ये लगभग 6 महीने में आपका हो जाएगा, मैंने बता दिया। 7वें 8वें महीने में आपको क्या करना है, जो पहली बार में आपके यहाँ पे नहीं हुई है 2018 से पहले के, अब आपका फोकस होगा सेकेंड में 2018 के बाद के क्वेश्चन का, तो 2018 के तो सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है,
2018 के बाद जो पूछे गए हैं उस बुक में, सारे क्वेश्चंस आपको लगाने, 2018 से पहले के वही क्वेश्चंस आपको लगाने जो पहली बार में आपसे नहीं हुए। उसके लिए क्या करना है आपको, पहली बार में जो आपको लगा कि कोई कॉन्सेप्ट आपसे पहली बार में नहीं हुआ, तो उसके एक क्वेश्चंस पे आपको स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है। उसके बाद थर्ड रिवीजन में, इसमें जब सेकंड रिवीजन आप करो तो 2018 के क्वेश्चंस में स्टार मार्क लगा लेना। 2018 में थर्ड रिवीजन में आपको सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस करना है जो 2018 के बाद पूछे गए, जिस इज कॉल्ड TCS पैटर्न, हम जनरली इसको TCS पैटर्न बोलते हैं। तो सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, सारे क्वेश्चंस लगाने, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं, यहाँ पे हटा दो स्टार मार्क, इसमें सारे क्वेश्चंस लगाने और इसके बाद यहाँ पे जो पहली बार में नहीं हो रहे उनको स्टार मार्क लगाने। पहले यहाँ पे सिर्फ 2018 से पहले का स्टार मार्क है, आई होप आप समझ रहे हो उस चीज़ को। जो पहली बार करोगे उसमें सिर्फ 2018 से पहले के स्टार मार्क लगेंगे, 2018 के बाद के क्वेश्चंस को आप तीन बार पूरे करोगे, पहली रिवीजन में ऑल क्वेश्चंस में, यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस, यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस, अब यहाँ पे स्टार मार्क लगेगा। और फोर्थ जो आपका प्रैक्टिस होगा उसमें सिर्फ 2018 के बाद के स्टार मार्क क्वेश्चंस होंगे, इसमें 2018 से पहले के नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे भी 2018 से पहले के नहीं है, सिर्फ 2018 के बाद के क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, वो भी स्टार मार्क क्वेश्चन। फिफ्थ रीडिंग होगी, उसमें क्या होना आपका जो सारे स्टार मार्क क्वेश्चंस है वो कर लेना, प्लस सिर्फ स्टार मार्क यहाँ पे, प्लस एक एरर बुक मैं बनवाता हूँ मॉक में, जैसे मॉक टेस्ट आपने दिया, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिल गया आपको जो बहुत अच्छा है तो आपको वो एरर बुक में आप लिख लोगे। तो ऐसे करके मेरी एरर बुक भी मैंने डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे, तो उसमें लगभग 400-500 क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए थे मेरे। ये वो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे बार बार अपनी गलती हो रही है, तो ये वाले एरर बुक भी आपको अच्छे से लगाना है, लास्ट के जो फिफ्थ उसमें है बिफोर एग्ज़ाम, ये होना है एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन में, ये वाला काम। एग्ज़ाम से पहले जब आप पढ़ोगे तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो फिफ्थ वाला बच गया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान लगाना है, और इसके साथ साथ फॉर्मूला रिवीजन आपका चलता रहना चाहिए लास्ट में। फॉर्मूला तो देखो, फॉर्मूला की वजह से अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करके आते हो तो मैं तो बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाला हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद बुक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बुक, एक बुक होती है, दो बुक होती है, एडवांस के लिए आप एक ले सकते हो और नॉर्मल के आप एक ले सकते हो। मेरा मानना है कि अब इतना वेटेज ऐसा हिसाब से मिक्स हो गया है पेपर कि आप एक बुक लो, उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाओ। बाकी आप मॉक में क्विज में क्वेश्चंस लगा रही हो, वहाँ से आपको डिफरेंट टेस्ट मिल रहा है क्वेश्चंस का। किरण की टाइप वाइज चैप्टर वाइज मैंने यूज़ करी थी, अभी तक भी मैं यही बुक रिकमेंड करता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसमें सारे क्वेश्चंस को क्या कर रखा है, पहले तो एक चैप्टर में अरेंज है, जैसे एक चैप्टर वन दे दिया, उसके बाद चैप्टर वन में 9 टाइप है, 7 टाइप है, तो उन 7 टाइप को अरेंज करा हुआ है। तो इससे क्या होता है, आपको हमें ऐसा पता चल जाता है कि कौन से टाइप में हमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है और कौन से टाइप को हमें अच्छे से देखना है, वापस थ्योरी उसकी देखनी है, फॉर्मूले उसके देखने। तो इस हिसाब से किरण टाइप वाइज चैप्टर वाइज आप ले सकते हैं। इसके सारे टाइप्स को आपको मास्टर करना है, और जहाँ तक है आपकी प्रैक्टिस एक बुक से होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्टार मार्क जो आप कर रहे हो वो एक बुक पे ही करोगे या 3-4 बुक लेके, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान रखना, एक बुक से ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आ जाता हूँ क्विज़ पे। क्विज़ में क्या, देखो डेली आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं, एंड आई एक्सपेक्ट कि 20 क्वेश्चन में आप आधा घंटा लगाओगे, तो लगभग 30 मिनट का आपका क्विज़ का काम हो जाएगा, क्योंकि 20 में से आप थोड़ा सा एनालिसिस भी करोगे, तो आधा घंटे से 40 मिनट यहाँ पे आप लगाओगे। डेली 20 क्वेश्चन करना है, शुरू में करना है टॉपिक वाइज, स्टार्टिंग में आपको करना है टॉपिक वाइज, जो पढ़ लिया आपने, चैप्टर पढ़ लिया, उसके कोई टॉपिक पढ़ा तो उसको आपको करना है। जब एक बार आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तो फिर जो 20 क्वेश्चन आप करोगे वो ऑल टॉपिक्स के करोगे, रैंडम मतलब मिक्स जो क्विज बोलते हैं उसको, उसमें सारे टॉपिक्स के लगभग एक दो क्वेश्चन हो, तो जिससे आपको थोड़ा सा डर खुल जाएगा कि यार आपको लगेगा कि यार परसेंटेज का क्वेश्चन आते हैं तो मेरे को ना थोड़ा सा हड़बड़ाहट सी हो जाती है, जब मिक्स में आएगा ना तो वो कहीं ना कहीं डर आपको खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो है कैलकुलेशन। देखो आपको पता है कि मैथ्स और रीजनिंग साथ आ रही है, आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका एक सेक्शन छूटने वाला है। इसके पहले क्या है, हमारे पास GS भी आती थी, तो GS से हमारे कहीं ना कहीं टाइम बचाते थे हम, और वो इस टाइम को हम मैथ्स और रीजनिंग में यूज़ करते थे। लेकिन अब मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ एक सेक्शन में आ रही है, तो यहाँ पे GS का टाइम अपने पास नहीं बच रहा है, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं 20 मिनट। क्या प्रैक्टिस करना है, रैंडम आजकल ना कैलकुलेशन शीट आती है, आप गूगल पे सर्च करना कैलकुलेशन स्पीड शीट, तो उसमें रैंडम आपको मल्टीप्लिकेशन मिलेंगे,
रैंडम आपको डिवीजन मिलेंगे, रैंडम प्लस माइनस और गुणा भाग सारा कुछ उसमें दिया हुआ है, वो आप 20 मिनट सोल्व करो। और हो सकता है तो रैंडम क्वेश्चंस आप खुद ही लिख लो अपने, उनको सोल्व करो। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, टेबल वगैरह बहुत अच्छे से याद रखनी है। 30 तक आपको स्क्वायर अच्छे से याद करना है, 20 तक आपको क्यूब याद करना है। और ये देखो रट लो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप ये चीज़ें रटोगे। शुरू में तो आपको रटना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फिर से बार बार रटने की ज़रूरत है। वंस यू स्टार्ट लाइक प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, तो आपको क्या करना है, बार बार कैलकुलेशन करनी है, बार बार क्वेश्चंस को जोड़ना घटाना भाग देना है, तो उससे आपको चीज़ें याद हो जाएगी। इतना है मैथ्स में, ये फॉलो कर लो आप। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग गुड मार्क्स इन मैथ्स, है ना। अपना टारगेट बहुत अच्छा स्कोर करना है यहाँ पे, सिर्फ पास करना नहीं है एग्ज़ाम को, बहुत अच्छा स्कोर करके 4600 ग्रेड पे की जॉब अपनी लेनी है। यहाँ तक आप वीडियो को देख लियो आ गए हो तो मेरे साथ जैसे हमेशा के लिए मैं आपसे प्रॉमिस करवाता हूँ, ये प्रॉमिस जब तक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते तब तक चालू रहेगा। आई विल क्रैक दिस एग्ज़ाम एंड मेक माई पेरेंट्स प्राउड वाली चीज़ लिखनी है आपको, और अपना मोटिवेशन क्या है आपका वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड, आई विल क्रैक दिस एग्ज़ाम, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में जाके लिखनी है, ठीक है। इतना ही है इस वीडियो में गाइज, और मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।